Hello everyone, this is Urvashi. Now we will do pedagogy of economics. Our today's topic is instructional aid. So what is instructional aid? Instructional aid are those which are added device that assist the teacher to clarify, establish, correlate and coordinate the accurate concept, interpretation and appreciation. जो हमारा कह सकते हैं ऐसी डिवाइस होती है जो टीचर को असिस्ट करती है हर एक चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसका कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, किसी भी चीज को जो एक प्रॉपर कंसेप्ट को एक्यूरेट करे. ठीक है, आगे हमारा इट हेल्प्स हिम टू मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव. लर्निंग को ज्यादा इफेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं हमारे जो इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं. ठीक है, in other words we can say that these aids are those which are used in classroom to encourage learning and thereby it make it easier and comprehensive. जो instructional aids होते हैं हमारे वो मतलब क्या होते हैं ज्यादातर किसे कहते हैं जो हमारे instructional aids, जैसे हो गया हमारा charts, maps, graphs, ये सारी चीजें जो होती है हमारी instructional aids होती हैं जो teacher को help करती है अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक को स्टूडेंट्स को एकदम कह सकते हैं उनका क्लियर कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये जो एड्स होते हैं टीचर्स की हेल्प करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स. टू स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं इससे कि आपको टीचर्स चार्ट के थ्रू पढ़ाती है या फिर कह सकते हैं हम लोग डायग्राम्स के थ्रू, ये सब इन सब चीजों से इमेजेस, पिक्चर्स के पिक्चर्स दिखा के आपको, ऑडियो विजुअल सुना के या फिर फिल्म स्ट्रिप्स जो हमने पहले भी टेलीविजन पे आपको आजकल आप लोग देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जैसे आप लोगों की चल रही, वैसे ही आपकी क्लासरूम में भी एक टीवी लगा होता है उसके में आपको डायग्राम्स पिक्चर्स वगैरह उसके अंदर दिखा के टीचर्स जो है आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में आपकी हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शनल एड्स. ठीक है, आगे आता है हमारा अकॉर्डिंग टू सीवी गुड्स. सीवी गुड्स थे, इन्होंने अपनी एक इंस्ट्रक्शनल एक डेफिनेशन दी थी इस टॉपिक पे, विच इज ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज एड्स विच हेल्प इन कम्प्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो हमारी ट्रायंगुलर प्रोसेस है लर्निंग की उसको हेल्प करती है इसको कंप्लीट करने में. और ट्रायंगुलर प्रोसेस हमारी क्या है, उनमें थ्री जो है मेन फंक्शन कह सकते हैं आप लोग, वो क्या है हमारे, मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन. ये जो तीन ट्रायंगुलर प्रोसेस है, ये तीन जो हमारी ट्रायंगुलर प्रोसेस किस चीजों से बनती है, हमारी मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन, इससे हमारी ये प्रोसेस जो है लर्निंग की बनती है जो हमें हेल्प करती है टीचर को अपना जो आपका कह सकते हैं लर्निंग का प्रोसेस है उसको करने में. ठीक है, आगे हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड. क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है हमारा, जो हमारा क्लासिफिकेशन जो है ऑडियो विजुअल एड्स की टू पार्ट्स में डिवाइड है. ठीक है, नंबर वन है जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है ट्रेडिशनल एड. ट्रेडिशनल एड हम लोग करेंगे सबसे पहले, जो सेकंड है प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एड. फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल एड एंड सेकंड जो क्लासिफिकेशन में टू टाइप्स में ऑडियो विजुअल एड को डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल एड एंड सेकंड वन इज प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड. आज हम सबसे पहले करेंगे ट्रेडिशनल एड. ट्रेडिशनल एड में फर्थर फाइव कैटेगरीज है हमारी. नंबर वन इज ऑडिटरी एड. ऑडिटरी एड में हमारी क्या आ जाती है, हमारी जैसे ऑडियो से रिलेटेड, जैसे रेडियो हो गया आपका या फिर टेप रिकॉर्ड जिसमें सिर्फ आपको ऑडियो ही सुनाई देती है, वो क्या होती है उसमें हमारी क्या होती है ऑडिटरी एड. नंबर वन. सेकंड हमारा जो आता है इसका पॉइंट है विजुअल एड में हमारा क्या आ जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं जैसे चार्ट्स हो गए हमारे, मैप्स हो गए, ग्लोब हो गया, विजुअल में जो सिर्फ हमें दिख सकता है उससे सुनाई नहीं कुछ दे रहा है. ठीक है, विजुअल एड्स हमारे कौन से हो गए हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपरली देख रहे हैं उसे बट उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ सुन नहीं रहे हैं हम. ठीक है, तो वो हो गए हमारे विजुअल एड्स लाइक मैप, चार्ट या ग्लोब या डायग्राम्स.
ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारा ट्रेडिशनल का, वो है ऑडिटरी कम विजुअल, ऑडिटरी कम विजुअल एड। इसमें क्या आ जाता है हमारा, जिसे हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपका आ गया टेलीविजन या कोई ड्रामा, जिसे हम देख भी रहे हैं और उसकी जो उसमें हो रहा है वो चीज सुन भी रहे हैं, ठीक है, वो हो गया हमारा ऑडिटरी कम विजुअल एड। नंबर फिफ्थ फोर्थ वन इज हमारा आ जाता है एक्टिविटी एड, फोर्थ वन इज एक्टिविटी एड। एक्टिविटी में क्या आ जाता है हमारे प्रोजेक्ट या फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट या मॉडल्स या प्रोजेक्ट स्पेसिमेन जो कलेक्शन है वो सभी कहाँ आ जाती है हमारी, किसके अंदर आती है हमारी एक्टिविटी एड के अंदर। एंड फिफ्थ वन इज मिसलेनियस एड्स, जितने भी रेस्ट होते हैं वो सब चीजें मिसलेनियस में आ जाते हैं, लाइक हमारी मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए या पैम्फलेट्स बुकलेट्स जो भी है वो सभी हमारी किसके अंदर आ जाती है हमारे फिफ्थ पॉइंट में जो है हमारा मिसलेनियस एड्स, ठीक है। तो ये हमारा है फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड का, ट्रेडिशनल एड विच इज, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रेडिशनल एड को फर्थर फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज ऑडियो एड, जिसमें हम सिर्फ सुनते हैं, रेडियो या टेप रिकॉर्डर हो गया हमारा। सेकेंड है हमारा विजुअल एड, जिसमें हम लोगों को दिख रहा है, लाइक हमारा ग्लोब मैप्स या चार्ट्स। थर्ड है हमारा ऑडियो कम विजुअल एड, जिसमें हम सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं, वो है हमारा टेलीविजन हो गया या फिर कोई ड्रामा हो गया। फोर्थ वन इज एक्टिविटी एड, जहां हमारे प्रोजेक्ट्स या मॉडल्स हो गए, स्पेसिमेंस हो गए, कलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन इज, जो फिफ्थ कैटेगरी है हमारी मिसलेनियस एड्स, उसमें हमारा क्या आ जाता है मिसलेनियस एड में हमारा आ जाता है हमारी बुकलेट्स पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर्स या फिर जो हमारा रिस्ट मैगजीन्स हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल एड। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स का, वो है हमारा प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एड, प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एड। नॉन प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट एड है और नॉन प्रोजेक्ट एड है वो भी फर्थर कैटेगरीज में हमारा डिवाइड है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट एड्स की। प्रोजेक्ट एड्स जो होते हैं हमारे टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। नंबर वन इज साइलेंट प्रोजेक्ट एड, एंड नंबर टू इज साउंड प्रोजेक्ट एड। जो हमारा प्रोजेक्ट एड्स है, जो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, फिलहाल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट एड की, जो हमारा फर्थर टू कैटेगरीज में डिवाइड होता है, साइलेंट प्रोजेक्ट एड एंड सेकेंड इज साउंड प्रोजेक्ट एड। साइलेंट प्रोजेक्ट एड्स में क्या आ जाते हैं हमारी स्लाइड्स या फिल्म स्ट्रिप्स, जो हमें कह सकते हैं साइलेंटली आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई जा रही स्लाइड शेयर्स होते हैं, जिसमें टीचर्स आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाती है, ठीक है, उसमें क्या आ जाते हैं हमारे साइलेंट प्रोजेक्ट एड्स में क्या आ जाते हैं हमारी स्लाइड्स या फिल्म स्ट्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साउंड प्रोजेक्ट एड। साउंड प्रोजेक्ट एड्स में हमारे क्या आ जाते हैं हमारी एजुकेशनल फिल्म्स, जो हमें एजुकेशनल से रिलेटेड टेलीविजन पे दिखाई जाती है, अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो फिल्म होती है या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको सब्जेक्ट में आपके कह सकते हैं या फिर आपके टॉपिक में आपको वो चीज फिल्म हेल्प करती है, आपकी कह सकते हैं मोटिवेशनल मूवीज हो गई या फिर एजुकेशनल से रिलेटेड जो मूवीज या फिल्म्स होती हैं वो किसके अंदर आती है हमारी साउंड प्रोजेक्ट एड्स के अंदर, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट एड के अंदर टू कैटेगरीज है, नंबर वन इज साइलेंट प्रोजेक्ट एड एंड नंबर टू इज साउंड प्रोजेक्ट एड। साइलेंट प्रोजेक्ट एड में हमारा क्या आ जाता है हमारी स्लाइड स्लाइड शेयर्स, जैसे हम यूज करते हैं अपने क्लासरूम में, और हमारी फिल्म स्ट्रिप्स, और हमारी साउंड प्रोजेक्ट एड में क्या आ जाती है हमारी एजुकेशनल मूवीज,
ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रोजेक्टेड एड. नॉन प्रोजेक्टेड एड, नॉन प्रोजेक्टेड एड है जो ये हमारा फर्थर फोर कैटेगरीज में डिवाइड है. नंबर वन इज ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में हमारे क्या आ गया, सेम हमारा इमेज पिक्चर्स हो गई, हमारी चार्ट्स हो गए, मैप्स, डायग्राम, ये सब कहाँ आते हैं हमारे ग्राफ्स के अंदर, ग्राफिक्स के अंदर. नंबर टू इज डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर क्या आ गया हमारा ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या फिर मैग्नेटिक बोर्ड, जितने भी होते हैं जहां हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपने काम को, जो हमने वर्क किया है वहां पे वो डिस्प्ले, जैसे आप लोगों के स्कूल या कॉलेजेस में आप लोगों ने देखे होंगे डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे डिस्प्ले के अंदर. थर्ड हमारा आता है पॉइंट थ्री डायमेंशनल एड्स. थ्री डायमेंशनल एड्स हमारे क्या हो गए हैं, डायग्राम्स हमारे थ्री डी की फॉर्म में आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है. डायग्राम्स हो गए हमारे, मॉडल्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, मॉकअप्स हो गए, ये सब कहाँ आ जाते हैं हमारे थ्री डायमेंशनल एड के अंदर. एंड हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इक्विपमेंट्स, ये फर्थर हमारा कह सकते हैं हम लोग थ्री कैटेगरीज में डिवाइड है, वन टू एंड थ्री. नंबर वन इज ऑडियो इक्विपमेंट एड, नेक्स्ट इज ऑडियो विजुअल एड, एंड थर्ड वन इज एक्टिविटी एड, हमारा नॉन प्रोजेक्ट एड है. नंबर वन इज ग्राफिक एड्स, जिसके अंदर डायग्राम्स, मैप्स, चार्ट्स आ जाते हैं हमारे. सेकेंड वन इज डिस्प्ले, जैसे आप लोगों का ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गए. थर्ड हमारा जो आया थ्री डायमेंशनल एड्स, जैसे ग्लोब हो गया हमारा, मॉकअप्स हो गए, ठीक है, डायग्राम्स हो गए. एंड नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट आता है इसमें नॉन प्रोजेक्टेड एड में इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इज डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज, विच इज नंबर वन इज ऑडियो एड्स. ऑडियो में क्या आ गया आप लोगों को बताया, जिसे जो आप सुन सकते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर. ऑडियो विजुअल एड्स में हमारा क्या आ जाता है, टीवी या सिनेमा, टेलीविजन या सिनेमा. नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी एड में हमारी एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोगों ने करे हैं, एक्सपेरिमेंट हो गए. एक्टिविटी एड्स में हमारी जो एक्टिविटीज जो हम लोगों ने करी है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स आ गए, फील्ड ट्रिप्स आ गई, वो किसके अंदर आती है, हमारी एक्टिविटी एड के अंदर, ठीक है. तो ये हमारा सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड का, प्रोजेक्ट एंड नॉन प्रोजेक्ट एड. नंबर वन सबसे पहले हम लोगों ने इसे भी टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है. प्रोजेक्ट एड है हमारा ए एंड नॉन प्रोजेक्ट को बी. प्रोजेक्ट एड में हमने फर्थर टू कैटेगरीज में डिवाइड हो गया. प्रोजेक्ट एड हमारा साइलेंट प्रोजेक्ट एड एंड साउंड प्रोजेक्ट एड. साइलेंट में क्या आ गया हमारे स्लाइड्स हो गई हमारी, और साउंड प्रोजेक्ट एड्स में हमारे क्या आ जाती है, हमारी एजुकेशनल फिल्म्स. आगे हम लोगों ने करा नॉन प्रोजेक्ट एड्स. नॉन प्रोजेक्ट एड्स हमारी फोर कैटेगरीज में डिवाइड हो गई. नंबर वन इज ग्राफिक्स, चार्ट्स या मॉडल, चार्ट्स या डायग्राम जो हमारे हुए, मैप्स हो गए. डिस्प्ले में हमारा आया ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड जो होते हैं, ठीक है. थ्री डायमेंशनल एड्स में हमारे क्या आ गया, ग्लोब हो गया हमारा, ठीक है, ये डायग्राम हो गए, ठीक है. आगे हमने करा इक्विपमेंट, फोर्थ पॉइंट जो था हमारा नॉन प्रोजेक्ट एड का फोर्थ पॉइंट था इक्विपमेंट. वो फर्थर थ्री पार्ट्स में डिवाइड था. नंबर वन इज ऑडियो एड. ऑडियो एड में टेप रिकॉर्डर, रेडियो. सेकेंड ऑडियो विजुअल एड्स, लाइक आप लोगों का टीवी, टेलीविजन या सिनेमाज हो गया. एंड एक्टिविटी एड, जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, ठीक है. तो ये आपका टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल एड का. इसके आगे फर्थर टॉपिक्स भी हैं, तो ये आप लोगों को आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा. इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेरी हो इस पार्ट में, खाली आपको मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को करवाया है. इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा. थैंक यू एवरीवन.